been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. हेलो गाइस, वेलकम टू द एज मीडिया न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे काफी सीरियस टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे बात चल रही है टोनी स्टार्क की। तो टोनी स्टार्क के फादर आप जानते हैं, वो हैं हावर्ड स्टार्क। और हावर्ड स्टार्क काफी अच्छे पैसे वाले भी थे और इन्हें काफी दिमागदार और देन एक साइंटिस्ट भी थे। और शील्ड की स्थापना करने में उनका बहुत बड़ा सहयोग था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टोनी स्टार्क की फैमिली में उनकी मॉम और उनके फादर यानी हावर्ड स्टार्क और मारिया स्टार्क ही थे। बट शील्ड की फाइलों में कुछ ऐसे राज दफन है जो कि आज तक किसी को पता नहीं चले। इनविजिबल आयरन मैन इशू नंबर 600 में और शील्ड की फाइलों में ये पता चला कि मारिया स्टार्क के एक और पति थे, यानी कि उनका एक और आदमी से चक्कर चल रहा था। और वो हमें पता चला शील्ड की फाइलों में और इनविजिबल कॉमिक नंबर इशू 600 में कि मारिया स्टार्क का जब अफेयर चल रहा था तो उन्हें हावर्ड स्टार्क को वो जानती नहीं थी। और देन वो उनके पति उनके बॉयफ्रेंड हाइड्रा के लिए काम करते थे। जी हाँ, हाइड्रा के लिए। और वो बहुत अच्छे बिलियन भी थे और देन साइंटिस्ट भी थे। देन उनका दिमाग काफी तेज था। बट उनकी मौत के बाद मारिया को काफी दुख हुआ और उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। और उन्हें पता चला कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, वही बच्चा उन्हीं का है। और फाइनली उसके बाद टोनी स्टार्क पैदा हुआ और देन उन्हें हावर्ड स्टार्क से शादी कर ली। फाइनली टोनी स्टार्क के अब दो फादर हैं। जी हाँ, हावर्ड स्टार्क और देन दूसरे का नाम मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा। और देन ये सब सुन के मुझे काफी शॉक लगा और शायद आपको भी काफी शॉक लगेगा कि टोनी स्टार्क के दो फादर हैं। तो गाइस, आज की न्यूज काफी रियली में शॉकिंग थी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पर रेड एल के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।